हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुमकुम गौतम और आज हम करने वाले एनिमल क्लासीफिकेशन का पार्ट 2 और पहला पार्ट मैं करा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है वो देख सकते हैं। साथ के साथ जो पॉरीफेरा मैंने कराया था उसके क्वेश्चंस भी आज रिलीज़ कर दिए गए हैं, तो जिन बच्चों ने वो क्वेश्चंस नहीं किए एक बार क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपका फिर प्रॉपर रिविजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एनिमल क्लासीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जो टॉपिक्स हैं बेसिकली, अगर एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर मैंने क्वेश्चन उसमें डाले हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस होते हैं। अगर आपको फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मेरी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं जो तुम्हारी 8 से 10:30 पे होती है, जहाँ पे प्रीवियस के क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ। साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। ये जो क्लास होती है तुम्हारी मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। एक होती है तुम्हारी 4 बजे क्लास और जो तुम्हारी रेगुलर क्लास होती है, तो यहाँ पे आपको रेगुलरली पढ़ाया जाता है, एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाता है। क्योंकि अब तुम्हारा एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है तो प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट होगा, तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम आप देखना रिवीजन के साथ साथ आपको टेस्ट का भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो वो मैं आने वाले टाइम में तुम्हें बता दूंगी कि कैसे रिवीजन होने वाला है, टेस्ट कैसे होने वाला है। आपको और भी फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप अनअकेडमी पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकेडमी पे आपकी फ्री क्लासेस होती हैं जिन्हें स्पेशल क्लासेस बोला जाता है, तो आप अगर वो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है, आपको अनअकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो अगर आपको ये करना है तो आप कर सकते हैं। अगर प्लस क्लासेस की बात करती हूँ तो तुम्हारी प्लस वाली जो क्लासेस होती हैं बेटा, वो तुम्हारी पेड वाली क्लासेस होती हैं जहाँ पे आपको पेमेंट देनी होती है। इन क्लासेस में क्या होता है, आपको यूनिट वाइज आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, आपको पूरा प्रोसेस के साथ में कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आपको यहाँ पे नोट्स जो हैं पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो आपको ये भी नहीं है कि नोट्स नहीं मिलेंगे। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में क्लास के बाद आपको दे दिए जाएंगे। आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कराई जाती है, क्विजेस कराए जाते हैं, जिसके बाद आपका रिवीजन हो जाता है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलती हैं जिसके थ्रू आपकी पूरी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाती है। यहाँ पे आप जितनी चाहे उतनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं आपके अनअकेडमी ऐप पे आपको सबकी लाइव क्लासेस मिलती हैं। और लाइव क्लासेस के साथ साथ मिलता है आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी, तो ये ध्यान रहे आपको ये दोनों क्लासेस मिलती हैं। यहाँ पे मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराती हूँ जो भी तुम्हारे CSI UGC नेट में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपको उसके लिए ज्वाइन करना है तब भी आप प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सब्सक्रिप्शन लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ध्यान रहे यहाँ पे GATSC ना लिखा हो, यहाँ पे लिखा होना चाहिए CSI UGC नेट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको प्लान चूज़ करना होता है कि आपको 1 मंथ का लेना है कि आपको 3 मंथ्स का लेना है, 6, 12, 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी CSI UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो 1 मंथ का ले सकता है। इससे क्या होगा, आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के साथ साथ आपके मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ के थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगर आप आगे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आगे वाले CSI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपनी यूनिट ख़त्म करना चाहते हैं, पूरा कोर्स ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप 6 या 12 मंथ्स का ले सकते हैं। अगर आप 6 मंथ्स का लेना चाहते हैं या 12 मंथ्स का लेना चाहते हैं तो अमाउंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप ये वाला अमाउंट जो 12 मंथ्स वाला प्लान है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाता है। तो वो रेफरल कोड आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो। कुमकुम 10 अप्लाई करने के बाद में आपको 10% ऑफ मिल जाता है। देन करना है प्रोसीड टू पे, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा जैसे आप कुमकुम 10 अप्लाई करेंगे। फिर आपको पेमेंट करनी होती है, आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, EMI के थ्रू कर सकते हो, UPI वॉलेट या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन भी है, तो अगर किसी बच्चे को एक साथ अमाउंट देने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो ये इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकता है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अनअकेडमी ऐप पे जाना है, CSI UGC नेट को सर्च करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है बाय अप्लाइंग कुमकुम 10, जिसके बाद 10% ऑफ मिलेगा। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं आपको सबके कोर्सेज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस भी मिल जाती हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाती हैं। पूरा यूनिट वाइज आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। तो अगर प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद 10% ऑफ मिल जाएगा। अब आते हैं पॉलीफेरा में करा चुकी थी कि इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई थी उसमें, वो अभी मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो उसमें फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बेसिकली जब हम कराते हैं, देखो मैंने तुम्हें बताया था स्पॉन्जेस जो होते हैं ये तुम्हारे फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं और ये मरीन फॉर्म में भी मिलते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, जिसे हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। अब क्या होता है कि जो स्पॉन्जेस होते हैं इसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है विच वी कॉल्ड गेम्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। गेम्यूल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है और ये गेम्यूल्स क्या करते हैं, इनके अंदर होते हैं आर्कियोसाइट सेल्स। ये ध्यान में रखना है। ये जो आर्कियोसाइट सेल होते हैं इनमें क्या होता है, तुम्हारी रीजनरेशन की पावर बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर अगर तुम्हारे स्पॉन्जेस का कोई भी तुम ले लो, कोई भी तुम स्पॉन्ज ले लो, अगर तुम वहाँ से उसको काट देते हो तो उसके अंदर इतनी अच्छी रीजनरेशन की पावर होती है, वो उसकी वजह से होती है क्योंकि इनके पास आर्कियोसाइट सेल होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। इस फॉर्मेशन इज ऑफन कॉल्ड इंटरनल बडिंग। तो बेसिकली इंटरनल बडिंग होने के बाद में गेम्यूल लाइक फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें तुम्हारी आर्कियोसाइट्स जो सेल्स हैं वो यहाँ पे मिलती हैं, जिनके पास बहुत अच्छी पावर होती है रीजनरेशन की। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एक सेकेंड, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ये होता है तुम्हारा गेम्यूल। तो बेसिकली क्या है, एक गेम्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर है, तुम कुछ भी बोलो वैसे लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर क्या होता है बहुत सारे स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। तुम्हें मैंने बताया था स्पिक्यूल के बेसिस पे मैं स्पॉन्जेस को क्लासीफाई कर सकती हूँ। तो इस पर बहुत सारे स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। मोनोएक्सोम का मतलब होता है जिसके पास एक ही तुम्हारा ऐसे हथियार सा है, अगर एक ही प्रेजेंट है तुम्हारा नोड लाइक स्ट्रक्चर तो उसे मोनोएक्सोन स्पिक्यूल बोला जाता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। एक माइक्रोपाइल एंड होता है जहाँ से इसकी ओपनिंग होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। अब ये पूरा गेम्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर ये जो गोल गोल है ना, ये गोल गोल जो है तुम्हारी आर्कियोसाइट सेल होती हैं, जिनके पास होती है रीजनरेशन की पावर। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। रीजनरेशन की पावर में बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से जो होता है स्पॉन्जेस रीजनरेट कर पाते हैं। इसको ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, आर्कियोसाइट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं सीलेंट्रेट्स की एंड निडेरियंस की। तो मैं पॉरीफेरन्स का बता चुकी थी। जो पॉरीफेरा होते हैं तुम्हारे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तुम्हारा वहाँ पे स्पॉन्जो सील होता है, कैविटी होता है, एसीलोमेट होते हैं, एसिमेट्रिकल इन नेचर होते हैं। फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, तुम्हारे मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच होकर रहते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं बता चुकी थी। सीलेंट्रेट पे आते हैं, थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। अगर मैं कंडीशन की बात करती हूँ स्पॉन्जेस की, सीलेंट्रेट्स को पहले सीलेंट्रेट्स क्यों बोला जाता है या फिर निडेरियंस क्यों बोला जाता है वो देख लेते हैं। सीलेंट्रेट्स को क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है विच वी कॉल्ड निडोब्लास्ट सेल। क्या होता है, न्यूरोब्लास्ट सेल्स होती हैं जिनके पास स्टिंगिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जो न्यूरोब्लास्ट सेल्स होती हैं इनके ऊपर स्टिंगिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे नेमेटोसिस्ट सेल्स बोला जाता है, ठीक है, नेमेटोसिस्ट बोला जाता है। अब ये निडोब्लास्ट सेल क्या रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तुम्हारे डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि अगर कोई भी अननोन इंसान, अगर कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल इन्हें टच करने की कोशिश करता है तो क्या करती हैं, ये जो निडोब्लास्ट सेल्स हैं वो अपने नेमेटोसिस्ट को रिलीज कर देती हैं और वो क्या करता है उस पर्टिकुलर इंसान के फ्रैक्चर कर देता है। फ्रैक्चर करने के बाद पंक्चर करेगा, पंक्चर करने के बाद में वहाँ से क्या होता है एक वीनम वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो पॉइजन को वहाँ पर पास कर देगा और जिसने भी उसको मारने की कोशिश करी है उसका पैरालिसिस करा दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। तो ये मैं आगे तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊंगी, तो अभी मैंने सिर्फ नाम बता दिया है। निमेटोसिस्ट क्या करती हैं, तुम्हारे इंजेक्ट करेंगे वीनम इनटू द प्रे, यूजुअली हैव बार्ब्स टू कीप देम एम्बेडेड इन द विक्टिम्स। मोस्ट स्पीशीज हैव निमेटोसिस्ट। तो बहुत से जो स्पीशीज हैं सीलेंट्रेट्स के उनके पास निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इन्हें निडेरियंस बोला जाता है। अब These are mostly aquatic animals। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऐसी कंडीशन में ही पाए जाएंगे जहाँ पे मरीन कंडीशन है या फिर फ्रेश वाटर कंडीशन है। तो एक्वाटिक प्लांट ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्वाटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। द माउथ इज सराउंडेड बाय द शॉर्ट एंड थिन टेंटिकल्स। अगर तुम हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखते हो तो यहाँ पे बहुत सारे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टेंटिकल माउथ को सराउंड करते हैं, बहुत सारे टेंटिकल सराउंड करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। दे एग्जिबिट और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज़ याद रखनी है, जब मैं पॉलीफेरेंस की बात कर रही थी तो वहाँ पे बताया था मैंने कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करती हैं, बट दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड इनटू अ टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं टिश्यू में। लेकिन अगर मैं सीलेंट्रेट्स की बात करती हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे जो होता है cells will combine together and will form tissues and tissues are responsible for performing a different functions। तो यहाँ पे होता है tissue level of organization and remember this point because यहाँ से question आते हैं। They are diploblastic in nature, very important बेटा, बहुत important है। अब अगर मैंने जब स्पॉन्जोसील की तुम्हें बताया था, जब मैंने स्पॉन्जेस का पूरा स्ट्रक्चर बताया था, मैंने बताया था वो डिप्लोब्लास्टिक नेचर होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इनके पास एक्टोडर्म प्रेजेंट है और इनके पास एंडोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है। जब इनके पास दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, जो किसी भी लेयर को तुम्हारे जो जम सेल्स होती हैं या फिर तुम्हारा जब पूरा फॉर्मेशन होता है, अगर उसको पूरा दो सेल कवर करती हैं उसे बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अगर पूरे ऑर्गेनिज्म में अगर तीन सेल से बना होता है, एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म भी प्रेजेंट है, जो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी सराउंड करके रखती है, तो वो उस फॉर्म में होता है, वो तुम्हें डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। अब डिप्लोब्लास्टिक अगर बोला जा रहा है तो यहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तुम्हारा यहाँ पे एक बहुत जो जेलेटिनस लेयर भी प्रेजेंट होती है, जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है, लेकिन उसमें पेरेन्काइमेटस टिश्यूज होंगे, वो तुम्हारा मेसोडर्म नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। अगर तुमसे क्वेश्चन आता है क्या सीलेंट्रेट्स तुम्हारे डिप्लोब्लास्टिक नेचर के हैं, तो हाँ, इनके पास एक्टोडर्म प्रेजेंट है, इनके पास एंडोडर्म प्रेजेंट है, इनके पास मेसोडर्म नहीं होती है, ध्यान रखना है। देखो, ये है तुम्हारा एपिडर्मिस विच इज एन एक्टोडर्मल वाला पार्ट, और ये है तुम्हारा इंटरस्टिशन के अंदर वाला पार्ट जो तुम्हारा एंडोडर्मिस है, ठीक है, जिसे हम गैस्ट्रोडर्मिस भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आता है कि जो सीलेंट्रेट्स होते हैं उनके पास एपिडर्मिस होती है, गैस्ट्रोडर्मिस होती है, डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, सो जस्ट गो फॉर द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये तुम्हारा बिल्कुल सही है, गैस्ट्रोडर्मिस होती है और एपिडर्मिस होती है। अब मैंने बताया तुम्हें कि यहाँ पे मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट सेल प्रेजेंट होती है विच वी कॉल्ड मेसोग्लिया। अब ग्लिया से नाम पता चल रहा होगा तुम्हें कि एक जेलेटिनस टिश्यू है जो प्रेजेंट है, जो तुम्हारा पूरा लेयर नहीं है, जो तुम्हारा एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस की तरह मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है। एक मेसोग्लिया है जो एक जेलेटिनस टिश्यूज के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब तुमसे क्या पूछा जाता है, मैं समझा देती हूँ कि जो एपिडर्मिस होता है, यहाँ पे तुम्हारा एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर अब तुम गैस्ट्रोडर्मिस पे आओगे तो यहाँ पे भी तुम्हारी एंडोथेलियो मस्कुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। अगर तुम्हारा एपिथेलियो मस्कुलर सेल बाहर की साइड प्रेजेंट है, वैसे ही तुम्हारे अंदर की साइड एंडोथेलियो मस्कुलर सेल्स प्रेजेंट है, तो कोई डिफरेंस नहीं आया है। नेक्स्ट आते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, तो तुम्हारी बाहर के साइड इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, चलो ये मैंने माना, चलो ठीक है। ध्यान रखना है निमेटोब्लास्ट जो सेल होती हैं, बेसिकली तुम्हारी जो निडोब्लास्ट सेल्स होती हैं, जिन्हें हम निमेटोब्लास्ट सेल भी बोलते हैं, विच कंटेन अ नेमेटोसिस्ट, तो ये जो निमेटोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये तुम्हारी एपिडर्मिस वाले रीजन पे प्रेजेंट होती हैं, ये तुम्हारे अंदर वाले रीजन पे प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, यहाँ पे सेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे भी सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होंगी, और ये जो मेसोग्लिया वाला रीजन होता है इसमें बहुत सारी नर्व सेल पाई जाती हैं, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का कंडक्शन कराने में हेल्प करती हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है वहाँ पे तुम्हारा निमेटोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होंगी, गैस्ट्रोडर्मिस या फिर एंडोडर्मिस वाले रीजन में प्रेजेंट नहीं होती हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कुछ यहाँ पे ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं जो तुम्हारा सीक्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगी, सूडोपोडियम फॉर्मेशन होता है, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये निमेटोब्लास्ट वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और मेसोग्लिया वाला पार्ट, और याद रखना है एपिडर्मिस है और गैस्ट्रोडर्मिस है। दे हैव कैविटीज इन देयर बॉडी, कैविटीज प्रेजेंट है बेटा, लेकिन सीलोम का कोई अता पता नहीं है, तो ये भी तुम्हारा ए सीलोमेट नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई भी कैविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब कोई भी सीलोम नाम की कोई चीज़ नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। दे हैव कैविटीज इन देयर बॉडी। अगर क्वेश्चन आता है कि सीलोमेट्स ए सीलोमेट्स कौन से हैं, तो ध्यान रखना है, उसका आंसर देना है प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं आया जो सीरम के पास भी आ सके वो चीज़। तो ए सीरोमेट जो आएगा तुमसे पक्का ऐसे पूछा जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थस दिया जाएगा तुम्हें एग्जाम्पल, एस्केल्मिन्थस दिया जाएगा, एनिलीड्स दिया जाएगा, मोलस्क दिया जाएगा, तो तुम्हें जो आंसर लगाना है वो प्लेटीहेल्मिन्थस लगाना है। ये वाला ऑप्शन में कभी आएगा ही नहीं, तो ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ये होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, बेटा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रेडियली सिमेट्रिकल का जैसे मैंने उस दिन बताया था तुम्हें, जैसे हाइड्रा ले लो तुम, ठीक है, हाइड्रा ले लिया तुमने, ये तुम इसको अगर कहीं भी प्लेन से डिवाइड करते हो, किसी भी प्लेन से अगर डिवाइड करते हो, इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म तुम ले रहे हो, चाहे तुम जो ऑर्गेनिज्म जो सीलेंट्रेट से बिलोंग करता है या फिर निडेरियन से बिलोंग करता है, वो सारे के सारे रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। और इसके साथ साथ इकाइनोडर्मेटा मैं तब पढ़ाऊंगी, लेकिन फिर भी रिलेट करके पढ़ा देती हूँ। एक काइनोडर्मेटा जो होता है उसका जो लार्वा फॉर्म होता है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, लेकिन जैसे वो एडल्ट फॉर्म में आता है वो भी रेडियली सिमेट्रिकल हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये जो होते हैं तुम्हारे रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेलुलर एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये तुम्हारे सेल के अंदर भी डाइजेशन शो कर सकते हैं, ये सेल के बाहर विद इन द सेल और इन द सेल, ठीक है, विद इन द सेल और इन बिटवीन द सेल कैसे भी डाइजेशन यहाँ पे हो सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज टोटली एब्सेंट। बेटा टिश्यू बना है, कोई तुम्हारे ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं हुआ है कि हार्ट बन गया हो कि तुम्हारा वहाँ पे काम करेगा, नहीं, वहाँ पे टिश्यूज बने हैं, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, decentralized nerve net and the simple receptor are found, very important। यहाँ पे diffused nerve net होता है, decentralized nerve net होता है, मतलब nerve net जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया तुम्हें ऐसे ऐसे फैला हुआ nerve net होता है, कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है कि इंफॉर्मेशन कैसे होनी है। डिफ्यूज nerve net होगा, decentralized nerve net होगा क्योंकि ज़्यादा तुम्हारा ये evolved नहीं हुआ है अभी। दे एक्सक्रीट एंड रेस्पायर थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन, कोई ऑर्गन फॉर्म नहीं हुआ है, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है जहाँ से एक्सक्रीशन कर पाएंगे, जहाँ से रेस्पिरेशन कर पाएंगे। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करेंगे और रेस्पिरेशन करेंगे। ऑल निडेरियंस कैन रीजनरेट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने हाइड्रा वाला एपिमॉर्फोसिस किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं समझा भी चुकी हूँ बच्चों को। यहाँ पे ऑल निडेरियंस कैन रीजनरेट मतलब उनके पास पावर होती है कि अगर उनका एक पार्ट काट दिया जाएगा, अगर तुम्हारा हाइड्रा का ये वाला पार्ट काट दिया जाएगा तो वापस से रीजनरेट कर सकता है, इन सब के पास ये वाली पावर होती है। तो इस पावर को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ज़रूर आ सकता है। They reproduce asexually through the budding, sexual reproduction is seen in few ciliate। तो अगर तुमसे बोला जाता है कि दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ओनली या फिर थ्रू एसेक्सुअली ओनली, नहीं, ध्यान रखना है एसेक्सुअल के साथ साथ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। कुछ सीलेंट्रेट ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, तो ये वाला जो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से आंसर लग जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रा हो गया, ठीक है, ऑरेलिया हो गया और ओबेलिया हो गया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और ऑरेलिया का जो कॉमन नेम है जेली फिश, याद रखना है, अगर फिशेस के साथ में कंफ्यूज किया जाएगा तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका नाम होता है जेली फिश, ठीक है। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे और चीज़ें पता करेंगे। अब देखो जैसे मैंने बताया जो निडोब्लास्ट होता है उसमें क्या होता है, नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। नेमेटोसिस्ट एक सेल प्रेजेंट होता है जिसमें स्टिंगिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है कि कोई भी प्रे यहाँ पे घूम रहा था, आसपास घूम रहा था, ठीक है, कोई प्रे था यहाँ पे ये रहा, ठीक है, वो आपस में वो यहाँ पे घूम रहा था लेके कि ना मैं अब इसको खाने वाला हूँ, ठीक है, या फिर मैं जो भी करने वाला हूँ इसके साथ में। तो क्या होता है, वैसे तो ये शांति में बैठा रहता है। अब शांति में कैसे बैठता है ये देखो, इसके पास एक नीडोसिल प्रेजेंट होता है। नीडोसिल प्रेजेंट होता है जो पता कर, एक एंटीना की साइड में होता है, एक सेंसरी ऑर्गन होता है जिससे पता चल जाता है कि ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसे पता कर लेता है। लेकिन ये अपने हथियार को एक ओपरक्यूलम से, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू पूरा बंद करके रखता है, किसी को पता नहीं चलता इसके पास कुछ है, तो ओपरक्यूलम से बंद करके रखता है। ओके, इस देखो यहाँ पर ये जो हथियार है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो निमेटोसिस्ट है उसके पास में बहुत सारे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। स्पाइंस ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं स्पाइंस के यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टाइलेट प्रेजेंट होता है और एक थ्रेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है कि पूरा ऐसे ऐसे मतलब राउंड कॉल करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्पेस एरिया में इतना बड़ा चीज़ यहाँ पे आ जाती है। ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये तुम्हारा कैप्सूल हो गया। यहाँ पे रिफ्रेक्टाइल रॉड प्रेजेंट होती है, रिफ्रेक्टाइल रॉड प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ये तो है तुम्हारी रिफ्रेक्टाइल रॉड प्रेजेंट है। यहाँ पे सपोर्टिंग फिब्रस प्रेजेंट है और एक लासो लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रक्चर क्या करता है, स्प्रिंग की तरह इसको पहले बांध के रखता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तुम शांति से यहाँ पे बैठे रहो और कोई भी नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ये प्रेडेटर इस पे अटैक करने की कोशिश करता है, ये क्या करता है, इस ओपरक्यूलम इसको रिलीज कर देता है, इसको बाहर निकाल देता है। तो तुम्हारा ये लासो जो है, तुम्हारी स्प्रिंग जो है पूरी खुल जाएगी। खुलने के बाद में इस निमेटोसिस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है, विच कंटेनर स्पाइंस, स्टाइलेट उसके अंदर प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, ये थ्रेड ट्यूब पूरा ओपन हो जाता है और जैसे इस प्रे में जाता है वो पंक्चर करेगा। पंक्चर करने के बाद में जो पॉइजन होता है उसको पास करता है और पैरालिसिस करा देता है तुम्हारे प्रे की। और ये एक बार ही एक पर्टिकुलर चीज़ में यूज़ हो सकता है, मतलब बहुत समझदारी से उसको यूज़ करना होता है क्योंकि वो एक बार यूज़ कर सकता है, फिर से नया बनाना पड़ेगा, वरना अगर एक बार यूज़ हो गया तो दोबारा उसको रिट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। वो गया तो गया, एक बार तीर निकला है तो वापस नहीं आ सकता है। तो एक बार को अगर करना है यूज तो बहुत सोच समझ के किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखो, अब इनका क्लासेस पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से पूरा पूरा चेक कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तुम्हें कैसे पढ़ना है। पहली होती है क्लास इसकी हाइड्रोज़ोआ। बेटा बहुत बार क्वेश्चन आया है और ये मैंने तुम्हें कराया भी है, तुम्हें जब 10:30 की क्लास कराती हूँ उसमें बहुत बार तुम्हें ये चीज़ समझाई है, पर आज हम अच्छे से समझ लेते हैं। हाइड्रोज़ोआ की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे एग्जाम्पल बाद में बताऊँगी, पहले देख लेते हैं। हाइड्रोज़ोआ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर तुम्हारी मरीन फॉर्म भी पाई जा सकती हैं और फ्रेश वाटर फॉर्म भी पाई जा सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिवली मरीन होने वाला है या एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर होने वाला है, नहीं, मरीन फॉर्म भी पाई जा सकती हैं और फ्रेश वाटर फॉर्म भी पाई जा सकती हैं। जबकि स्काइफोज़ोआ में आओगे तो वहाँ पे भी एक्सक्लूसिवली मरीन कंडीशन होंगी और एंथोज़ोआ में आओगे तो वहाँ पे भी एक्सक्लूसिवली मरीन वाली कंडीशन होने वाली है। याद कैसे रखना है, HSA हंसा, ठीक है, हंसा तो फंसा, ठीक है, ऐसे याद रखो, हंसा तो फंसा, HSA याद रखो। हाइड्रोज़ोआ, स्काइफोज़ोआ एंड एंथोज़ोआ। हाइड्रोज़ोआ मतलब फ्रेश वाटर प्लस मरीन दोनों कंडीशन, जबकि सा वाली कंडीशन एक्सक्लूसिवली मरीन होने वाली है। यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि या फिर तो तुम्हारा पॉलिप हो सकता है या फिर तुम्हारा पॉलिप प्लस मेडूसा दोनों फॉर्म प्रेजेंट हो सकती है। मतलब हाइड्रोज़ोआ एक ऐसा तुम्हारा क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो एक ऐसी क्लास है जहाँ पे तुम्हारा पॉलिप और मेडुसा दोनों मिल सकते हैं या फिर खाली पॉलिप मिल सकता है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है तुम्हारा हाइड्रा। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन आता है। एक हाइड्रा एक ऐसा अकेला है जो तुम्हारा हाइड्रोज़ोआ में प्रेजेंट है, जो एक ऐसी क्लास है जिसमें पॉलिप भी पाया जाता है और मेडुसे फॉर्म भी पाई जाती है। लेकिन हाइड्रा के अंदर जो पाया जाता है पॉलिप फॉर्म पाई जाती है, मेडुसे फॉर्म यहाँ पे नहीं मिलती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जब तुम स्काइफोज़ोआ पे आते हो तो पॉलिप फॉर्म इज रिड्यूस्ड, तो वो रिड्यूस फॉर्म में मिलती है या फिर तुम्हारी एब्सेंट होगी, जबकि यहाँ पे मेडुसे जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेडुसे प्रेजेंट होंगे। अगर स्काइफोज़ोआ की बात होगी तो तुम्हारे मेडुसे प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर एंथोज़ोआ की बात करते हो, एंथोज़ोआ को बिल्कुल लास्ट में याद रखना है, यहाँ पे पॉलिप फॉर्म ही मिलेगी, जो मेडुसे फॉर्म है वो रिड्यूस्ड होगी या फिर टोटली एब्सेंट होगी। तो बाहर जो पीछे वाला है उसको पॉलिप चाहिए, पहले वाले को पॉलिप और मेडुसा दोनों चाहिए, सेकंड वाले को मेडुसा चाहिए और थर्ड वाले को पॉलिप चाहिए। वैसे याद रखो P और M दोनों, उसके बाद पहले M चाहिए उसको, फिर उसके बाद P चाहिए, ऐसे याद रखो। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया तो प्राइम मिनिस्टर वैसे याद रखो, प्राइम मिनिस्टर दोनों को याद कर लिया और यहाँ पे तो दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। बस एक एक्सेप्शन याद रखना है कि पॉलिप जो फॉर्म है वो हाइड्रा में अकेला प्रेजेंट होता है, उसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती हैं, जबकि वो हाइड्रोज़ोआ का पार्ट है फिर भी, ठीक है। मेडुसा अगर प्रेजेंट है तो एक वेलम प्रेजेंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक वेलम प्रेजेंट होता है जो ट्रू होता है, इसीलिए इस मेड्यूसा को बोला जाता है क्रेस्पीडोट मेड्यूसा। क्या बोला जाता है बेटा? क्रेस्पीडोट मेड्यूसा बोला जाता है अगर इनके पास ट्रू वेलम प्रेजेंट होता है। और ये हाइड्रोज़ोआ एक ऐसी क्लास है जहाँ पे मेड्यूसा जो है ये ट्रू वेलम कैरी करते हैं, इसलिए इन्हें क्रेस्पीडोट मेड्यूसा बोला जाता है। अब अगर तुम स्काइफोज़ोआ पे आते हो तो यहाँ पे मेड्यूसी फॉर्म भी प्रेजेंट है तुम्हारी, लेकिन जो वेलम है वो प्रेजेंट नहीं होता है, विदाउट वेलम होता है, इसलिए इस कंडीशन को बोला जाता है ए क्रेस्पीडोट। ठीक है, ए क्रेस्पीडोट मेड्यूसे बोला जाता है। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। तो क्रेस्पीडोट कब होगा? जब तुम्हारा ट्रू वेलम प्रेजेंट होगा, और ए क्रेस्पीडेट कब होगा? जब तुम्हारा विदाउट वेलम कंडीशन होगी तब होगा। अब अगर एंथोज़ोआ पे आती हूँ, एंथोज़ोआ में कोरस इंक्लूड होते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आता है कि कोरस जो है किस क्लास में इंक्लूड होते हैं, तो तुम्हारी जो एंथोज़ोआ वाली क्लास है वहाँ पे तुम्हारे कोरस इंक्लूड होते हैं। विच आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, तो कोरस यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैनी एग्जिबिट ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि तुम्हारी पॉलिप फॉर्म भी प्रेजेंट है, यहाँ पे तुम्हारी मेडुसा फॉर्म भी प्रेजेंट है, तो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पे होता है, या फिर इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है इन सब का, ये है ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम मैं आगे समझाऊंगी ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। फिलहाल तुम ध्यान रखो, जो हाइड्रोज़ोआ वाली क्लास है यहाँ पे क्या होता है, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है, इसको ध्यान में रखना है। अब कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक एग्जाम्पल देखते रहते हैं। हाइड्रोज़ोआ की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे ओबेलिया हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रा जो होता है तुम्हारा फ्रेश वाटर होता है, और इसमें खाली जो पॉलिप फॉर्म है वो अकेली मिलती है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। फाइसेलिया हो गया, फाइसेलिया को बोला जाता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। अगर तुम्हारा आता है कि ये कौन सा तुम्हारा या सीलेंट्रेट होगा या क्या होगा, तो ध्यान रखना है फाइसेलिया जो होता है हाइड्रोज़ोआ में आता है। मिलीपोरा, जिसका मतलब होता है हाइड्रॉइड कोरल, तो बेसिकली ये जो कोरल है तुम्हारे एंथोज़ोआ में मिलते हैं, लेकिन जो मिलीपोरा है ये तुम्हारा मिलता है हाइड्रोज़ोआ में, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। स्काइफोज़ोआ का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को पूरा याद रखना है, ऑरेलिया। ये ऑरेलिया जो होती है उसका कॉमन नेम होता है जेलीफिश, जो तुम्हारा स्काइफोज़ोआ का पार्ट होता है, जिसमें मेड्यूसे फॉर्म प्रेजेंट होती है, पॉलिप फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जब एंथोज़ोआ पे आते हो, बहुत एग्जाम्पल, इसके बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसे गोर्गोनिया। ये गोर्गोनिया जो है तुम्हारा सी फैन, बहुत बार तुम्हारा कंफ्यूज किया जाता है कि सी फैन कहाँ मिलता है, तुम्हें इकाइनोडर्मेटा में कंफ्यूज किया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है गोर्गोनिया जो है तुम्हारा सीलेंट्रेट का पार्ट है, और इसका जो कॉमन नेम है वो है सी फैन। सबसे इम्पॉर्टेंट मेट्रिडियम या फिर तुम्हारा एडम्सिया बोला जाता है सी एनिमोन को। सी एनिमोन जो होता है तुम्हारा मेट्रिडियम या फिर एडम्सिया, ये दोनों के दोनों तुम्हारे सीलेंट्रेट हैं और एंथोज़ोआ में क्लास में आते हैं। बेटा ये एग्जाम्पल पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और तुम्हें कंफ्यूज पूरा का पूरा कर दिया जाता है। पेनन्ट्यूला जो होता है उसे बोला जाता है सी पेन या फिर सी फेदर। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ध्यान, ये मतलब ये क्वेश्चन आ रखे हैं इसलिए मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, तो ध्यान में रखना है। एलकायोनियम डेड मैंस फिंगर, कोरेलियम रेड कोरल, क्यूबीपोरा ऑर्गन पाइप कोरल, मिनेंड्रिना ब्रेन कोरल। तो जितने भी कोरल्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे पाए जाएंगे, और गोर्गोनिया याद रखना है, एडम्सिया याद रखना है, जिसे हम मेट्रिडियम भी बोलते हैं, जो होता है सी एनिमोन। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा एक बार तो दोबारा समझ में आ जाएगा। अब मैं जल्दी रिवाइज कराने वाली हूँ। देखो तुम्हारी जो सीलेंट्रेट होती है तीन क्लासेस में डिवाइड होती है, एक होता है हाइड्रोज़ोआ, एक होता है स्काइफोज़ोआ, एक होता है एंथोज़ोआ। अगर मैं हाइड्रोज़ोआ की बात करती हूँ, दे हैव बोथ फॉर्म्स मरीन एंड फ्रेश वाटर फॉर्म्स, जबकि स्काइफोज़ोआ एंड एंथोज़ोआ हैविंग एक्सक्लूसिवली मरीन वाली फॉर्म्स। ठीक है, अब हाइड्रोज़ोआ पे आते हैं, दे कंटेन आइदर पॉलिप, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हाइड्रा एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें पॉलिप प्रेजेंट होता है हाइड्रोज़ोआ में। स्काइफोज़ोआ में आती हूँ, यहाँ पे पॉलिप फॉर्म बिल्कुल रिड्यूस होने वाली है, मेड्यूसा फॉर्म बिल्कुल डोमिनेंट फॉर्म में होती है स्काइफोज़ोआ में। एंथोज़ोआ में आती हूँ, एंथोज़ोआ में पॉलिप फॉर्म तुम्हारी डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगी, जबकि तुम्हारी मेड्यूसा फॉर्म रिड्यूस हो सकती है या फिर एब्सेंट हो सकती है। अब अगर हाइड्रोज़ोआ में आती हूँ, अगर तुम्हारे पॉलिप और मेडिसा दोनों प्रेजेंट है मतलब ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली यहाँ पे जो मेडिसा है वहाँ पे ट्रू वेलम प्रेजेंट होता है, इसलिए हम क्रेस्पीडोट मेडिसे बोलते हैं। स्काइफोज़ोआ में आती हूँ, मेडिसा प्रेजेंट है लेकिन विदाउट वेलम है, इसलिए एक क्रेस्पीडोट बोला जाता है, इसको ध्यान में रखना है। एंथोज़ोआ होता है बेसिकली कोरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। हाइड्रोज़ोआ में आती हूँ, ओबेलिया हो गया, हाइड्रा हो गया, विच वी नो दैट दिस इज अ फ्रेश वाटर सीलेंट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेश वाटर सीलेंट्रेट है। दे कंटेन अ पॉलीफॉर्म ओनली, फाइसेलिया हो गया, मिलीपोरा हो गया, सारे के सारे हाइड्रोज़ोआ में आते हैं। द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ स्काइफोज़ोआ इज ऑरेलिया विच वी ऑल्सो कॉल्ड जेली फिश, कॉमन नेम इज जेली फिश, रिमेंबर दिस। दे कंटेन अ मेड्यूसिफॉर्म, पॉलीफॉर्म इज आइदर रिड्यूस्ड और टोटली एब्सेंट। एंथोज़ोआ पे जब आते हैं, दे कंटेन अ गोर्गोनियम विच हैव अ कॉमन नेम सी फैन, वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट कंफ्यूज विद द इकाइनोडर्मिस, क्या है सी फैन जो है इसका कॉमन नेम है। मेट्रिडियम हो गया, एडम्सिया हो गया विच वी नॉर्मली कॉल्ड सी एनिमोन, पेनन्ट्यूला सी पेन सी फेदर, एल्कायोनियम डेडमैन्स फिंगर, कोरेलियम रेड कोरल, ट्यूबीपोरा ऑर्गन पाइप कोरल, मीनेंडरा ब्रेन कोरल। ये सारा का सारा पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ से, तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं। सॉरी। अब आते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यह हाइड्रोज़ोआ हो गया, हाइड्रोज़ोआ में पॉलिप और मेड्यूसिफॉर्म दोनों पाए जाते हैं, लेकिन एक हाइड्रा एक ऐसा है जिसमें पॉलीफॉर्म पाई जाएगी। अगर स्काइफोज़ोआ पे आते हो तो मेड्यूसिफॉर्म जो होती है डोमिनेंट होती है, अगर एंथोज़ोआ पे आते हो तो तुम्हारी पॉलीफॉर्म जो होती है वो डोमिनेंट होती है। एग्जाम्पल है हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा एंड ओबेलिया नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है तुम्हारे एडम्सिया हो गया, ठीक है, एडम्सिया हो गया तुम्हारा, एडम्सिया के बाद में तुम्हारा सी फैन हो गया, गोर्गोनिया हो गया है, पेनन्ट्यूला हो गया है, ये सारे सारे कोरल्स जो है सारे के सारे तुम्हारे किस में आएंगे, एंथोज़ोआ वाली क्लास में आने वाले हैं, तो ये वाला तुम्हारा, इसको इग्नोर करना है ना, गलती से टाइप हो गया। नाउ दे हैव अ टू बेसिक बॉडी फॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं मेडुसा और पॉलिप की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है एक बार और काफी बार पूछा भी गया है, तो ध्यान में रखना। देखो जो मेड्यूसा फॉर्म होती है वो होती है तुम्हारी मोबाइल वाली फॉर्म, ठीक है, मोबाइल मतलब जो मूव कर सकती है फॉर्म, जो लोकोमोशन शो कर सकती है, वो होती है तुम्हारी मेड्यूसा वाली फॉर्म। लेकिन जो पॉलिप फॉर्म होती है भाई उसको चाहिए आराम, वो क्या करके रहती है, वो एक सबस्ट्रेटम पकड़ लेती है और सबस्ट्रेटम के साथ में वो बाइंड हो जाती है, वो मूव नहीं करती है, वो एक जगह बाइंड हो गई तो हो गई। मेड्यूसा फॉर्म होती है वो घूमती रहती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बोथ ऑफ विच आर रेडियली सिमेट्रिकल, ये मैं बता चुकी हूँ, और सराउंड करते हैं टेंटिकल्स उनको, ठीक है, टेंटिकल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, और टेंटिकल्स के ऊपर क्या होता है, नीडोसाइट सेल्स होती हैं, जो मैं तुम्हें भी दिखा चुकी हूँ। दिस फिनोमेना ऑफ सक्सेशन ऑफ डिफरेंटली ऑर्गेनाइज्ड जनरेशन, वन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सिसाइल पॉलिप एंड फॉलोड बाय अ फ्री स्विमिंग मेडुसे और अ सिसाइल पॉलिप दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इज समटाइम्स कॉल्ड ऑल्टरेशन ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फेज और मेटाजेनेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद ये पढ़ोगे ना लाइन तब समझ में आएगी। अब अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ एग्जाम्पल ओबेलिया का, ठीक है, ओबेलिया का, जहाँ पे तुम्हारा पॉलिप स्टेज भी प्रेजेंट है और मेड्यूसा स्टेज भी प्रेजेंट है, और ये मैंने बताया था कि जहाँ पे ये दोनों प्रेजेंट है वहाँ पे ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो है वो यहाँ पे होता है, विच बी कॉल्ड मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो सीलेंट्रेट्स में होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब क्या होता है, देखो ये जो तुम्हारा अम्ब्रेला शेप्ड की है ना, ये अम्ब्रेला शेप्ड की जो ये तुम्हारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है, तो बेसिकली ये मेडुसा फॉर्म है, ठीक है, इन सीलेंट्रेट्स की एक मेडुसा फॉर्म है जो तुम्हारा मूव कर सकती है, जो लोकोमोशन शो कर सकती है, तो ये जो फॉर्म होती है इसे बोला जाता है मेडुसे फॉर्म। क्या बोला जाता है बेटा, मेडुसे फॉर्म बोला जाता है, जो एक सेक्सुअल स्टेज है, जो फ्रीली स्विमिंग है, मतलब जो फ्रीली स्विम कर सकती है, जो मूव कर सकती है, जो लोकोमोशन कर सकती है, तो ये तुम्हारी मेडुसे फॉर्म होती है। अब इसमें होता है एक मेल और एक होता है फीमेल, ठीक है। अब मेल और फीमेल क्या करते हैं, अपने गोनेड्स रिलीज करेंगे, स्पर्म रिलीज करेगा ये और ओवम रिलीज करेगा ये आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं और जाइगोट फॉर्म करते हैं। जाइगोट क्या होगा, क्लीवेज करेगा, ठीक है, क्लीवेज करेगा, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट सेल है वही तुम्हारा क्लीवेज होके, जो जाइगोट की जो 2n सेल है वही डिवाइड होके तुम्हारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने वाली है, तो यहाँ पे क्लीवेज होगा। क्लीवेज होने के बाद ब्लास्टुला बनेगा, प्लैनुला बनने के बाद एक इम्पॉर्टेंट लार्वा बनता है। बेटा लार्वे सारे इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लार्वे भी समझने हैं क्योंकि क्वेश्चन आते आते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लार्वा बनता है जिसे बोलता है प्लैनुला लार्वा। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला गया बेटा? प्लैनुला लार्वा बोला गया है, याद रखना है। ये प्लैनुला लार्वा क्या करता है? फ्रीली स्विमिंग होता है, स्विम करता है। ये भी स्विम करते करते क्या होता है, ये प्लैनुला लार्वा सेटल डाउन हो जाता है। इसे लगता है मेरे घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे कहीं ना कहीं बैठ के आराम से सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये प्लैनुला लार्वा क्या करता है, एक जगह सेटल डाउन हो जाता है और सेटल डाउन होने के बाद में एक यंग पॉलिप फॉर्म करता है। पॉलिप फॉर्म कैसी होती है बेटा? पॉलिप फॉर्म जो होती है तुम्हारी सेडेंट्री फॉर्म होती है, सिसाइल फॉर्म होती है, जो कहीं भी मूव नहीं करेगी, एक सबस्ट्रेटम लेगी और वहां पे जाके अटैच्ड हो जाएगी। ठीक है, मूव नहीं करेगी, फ्रीली स्विमिंग नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। ये यंग पॉलिप क्या करता है, तुम्हारा हाइड्रोला बडिंग करेगा, धीरे धीरे बडिंग करना स्टार्ट करेगा और तुम्हारा बडिंग करने के बाद में एक तुम्हारा पूरा का पूरा पॉलिप फॉर्म जो है वहाँ पे फॉर्म कर देगा, पॉलिप फॉर्म पूरा फॉर्म कर देगा। अब क्या होता है, इसके एक स्टेज में विच बी कॉल्ड ब्लास्टोस्टाइल, यहाँ पे गोनेजियम एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ये तुम्हारा मेडुसा फॉर्म पाई जाती है। ये मेडुसा क्या करते हैं, खुद को एस्केप कर लेते हैं, खुद को वहाँ से भगा लेते हैं। भगाने के बाद में फिर मेल और फीमेल आपस में ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, फिर से तुम्हारा ये प्रोसेस होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। अब बेटा तुम्हें याद क्या रखना है, ये देखो तुम्हें जो याद रखना है सिर्फ इतना याद रखना है, जो मेड्यूसे हैं एक तो ये फ्रीली स्विमिंग है, ठीक है, फ्रीली स्विमिंग है, याद रखना है। अम्ब्रेला शेप्ड के होते हैं, ये याद में रखना है। और इनका जो लावा बेसिकली जो बनता है प्लैनुला लावा बनता है। अगर मैं ओबेलिया की बात करती हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, ओबेलिया की बात करती हूँ, प्लैनुला लावा बनता है, पहले फ्री स्विमिंग होता है, फिर जाके तुम्हारा सेटल डाउन हो जाता है। और क्या ध्यान रखना है, जो पॉलिप फॉर्म है तुम्हारी, ये क्या है, एक तुम्हारी सिसाइल फॉर्म है जो तुम्हारा मूवमेंट नहीं कर सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो तीन चीज़ें याद रहनी चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो इसी से आता है। अब ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या हुआ कि ये तुम्हारी जो सेक्सुअल फेज थी, जो मेडिसा वाली फेज थी, ये तुम्हारी एसेक्सुअल फेज में कन्वर्ट हो जाती है, सिसाइल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोइड कॉलोनी बना देती है, जो तुम्हारी पॉलिप की जो कॉलोनी होती है वो बना देती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देखो अब पूरा पढ़ोगे ना, अब समझ में आएगा। दिस फिनोमेना ऑफ सक्सेशन ऑफ डिफरेंटली ऑर्गेनाइज्ड जनरेशन, वन ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सिसाइल पॉलिप, जैसे मैंने बताया, फॉलोड बाय फ्रीली स्विमिंग या फिर फ्री स्विमिंग मेड्यूसा और अ सिसाइल पॉलिप दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इज समटाइम्स कॉल्ड ऑल्टरेशन और ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। बेसिकली सेक्सुअल और एसेक्सुअल के फेज के बीच में, और इसे बोला जाता है मेटाजेनेसिस। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। Many Nidarians are limited to shallow water because they depend on endosymbiotic algae for much of their nutrient. Very important. कभी कभी क्या होता है, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो निडेरियंस हैं वो तुम्हारे शैलो वाटर में क्यों मिले जाते हैं? शैलो वाटर में इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं एंडोसिम्बायोटिक एल्गीज पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं। तो वो क्या कोशिश करते हैं, वो उन पर डिपेंडेंट होते हैं, तो वो कोशिश क्या करती है, वो शैलो वाटर में रहें और जो भी तुम्हारी एल्गी आ रही है, जो भी तुम्हें न्यूट्रिएंट मिल रहा है वो वहाँ से खा लें। कोरल रीफ फ्रॉम सोर्स ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। तुम्हें पता है यहाँ पे कोरल्स प्रेजेंट हैं, अगर कोरल्स प्रेजेंट हैं तो ये कोरल क्या बनाते हैं, कोरल रीफ फॉर्मेशन करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बताने वाली हूँ इसके बारे में, लेकिन पता होना चाहिए। तो एटोल्स कोरल क्या होते हैं, फ्रिंजिंग वाले क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनको पता करना है। कोरल रीफ फॉर्मेशन जो होता है तुम्हारा, ये सीलेंट्रेट जो होते हैं बेसिकली इस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। जो मोस्ट कॉमन कोरल रीफ फॉर्मेशन जिस निडेरियन से होती है वो तुम्हारे एंथोज़ोआ से बिलोंग करते हैं या फिर हाइड्रोज़ोआ से बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने बताया था मिलीपोरा कहाँ पे था, हाइड्रोज़ोआ वाले में था। तो जो एंथोज़ोआ है जो हाइड्रोज़ोआ है, दोनों के दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इस कोरल फॉर्मेशन के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो इस चीज़ को पूरे लाइन को याद रखना है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन ही बेस्ड लाइन है तुम्हारी, तो इसको ध्यान रखना। अब कुछ तुम्हारे नॉर्मल जहाँ से एग्जाम्पल नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सारे मैं एक बार कंपाइल करके लिख देती हूँ, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर टेंटिकल्स की बात करते हैं, हाइड्रा जो होता है उसके माउथ के साइड में तुम्हारे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा जो फूड है वो कलेक्ट कर लेते हैं। जो हाइड्रा के टेंटिकल्स होते हैं बेटा वो हॉलो होते हैं, हॉलो होते मतलब कम्प्लीटली हॉलो होंगे। लेकिन अगर ओबेलिया की बात करती हूँ, जहाँ पे मैंने अभी ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन बताया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे कौन सा लावा होता है, प्लैनुला लावा होता है, और ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ये जो प्लैनुला लावा होता है इनके जो टेंटिकल्स होते हैं, ओबेलिया बेसिकली इसके टेंटिकल्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं, जबकि हाइड्रा के तुम्हारे होलो होने वाले हैं। प्लैनुला लावा जो है तुम्हारा ओबेलिया का है, और ई फायरा लावा जो है तुम्हारा ऑरेलिया का है, जेलीफिश का है। ये इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, इतनी बार क्वेश्चन आया CSI UGC नेट में कि अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो तुम्हारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएगा। तो ई फायरा लावा याद रखना है, किसका होता है बेटा, ऑरेलिया का, जो किस क्लास में आता था तुम्हारा, स्काइफोज़ोआ क्लास में आता था। स्काइफोज़ोआ क्लास में आने के बाद में इसमें मेड्यूसे फॉर्म जो है वो डोमिनेंट पाई जाती है, इसे कॉमन नेम है इसका जेलीफिश। तो इस सब चीज़ों को याद रखना है इससे रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन इस पे से आता है। कोरल रीफ फॉर्मेशन बाय द कोरेलियम, ठीक है, एल्कायोनियम, मेड्रीपोरा, ट्यूबीपोरा, मिनेंड्रिना। तो ये सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ कि कौन कौन से जो है तुम्हारे यहाँ पे फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। ये सब ऑलरेडी पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। मेटाजेनेसिस सीन इन, देखो मेटाजेनेसिस जो होती है तुम्हारी ओबेलिया में देखने को मिलती है, हाइड्रा नहीं, ओबेलिया में देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ऑरेलिया डू नॉट एग्जिबिट मेटाजेनेसिस, तो ऑरेलिया जो है उसके अंदर मेटाजेनेसिस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर जो होती है मेड्यूसी फॉर्म प्रेजेंट होती है, पॉलिप फॉर्म नहीं पाई जाती है। तो मेड्यूसी फॉर्म होने की वजह से क्या होगा, इसमें कोई भी मेटाजेनेसिस नहीं हो पाती है, इसको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आएंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं टीनोफोर, क्योंकि ये जो होता है तुम्हारा माइनर फाइला में भी आता है। अगर किसी ने मास्टर्स में पढ़ा है तो इसको माइनर फाइला में पढ़ा होगा, कि नॉर्मली तुम्हारे फाइलम में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा फाइलम है और इतना ज़्यादा इवॉल्व भी नहीं हुआ है, तो इसे माइनर फाइला में डाल दिया गया है। तो ये आज डिस्कस कर लेते हैं। टीनोफोर्स वेरियसली और नोन एज कॉम्ब जेलीज, इन्हें हम कॉम्ब जेलीज के नाम से जानते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। अगर तुम्हारे को कोई बोलता है कॉम्ब जेलीज कौन है, सी गूजबेरीज कौन है, सी वॉलनट कौन है, वीनस गर्डल कौन है, तो ये सारे नाम जो होते हैं तुम्हारे टीनोफोर्स के होते हैं। तो अगर ये कहीं भी सुनाई देते हैं तो ध्यान रखना है टीनोफोर्स की बात हो रही है, कॉम्ब जेलीज, सी गूजबेरीज, सी वॉलनट या फिर वीनस गर्डल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। अभी जो टीनोफोर्स होते हैं इनके पास ट्रांसपेरेंट जेलाटिनस बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ट्रांसपेरेंट होंगी बिल्कुल बॉडी, जेलाटिनस बॉडीज होंगी, है ना, दैट आर बाय रेडियली सिमेट्रिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन एक और फॉर्म आ जाती है तुम्हारे, एक वो आइसोफॉर्म है विच बी कॉल्ड सब बाय रेडियल सिमेट्रिकल, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। कॉमनली लेड अ प्लैंक्टोनिक लाइफस्टाइल, तो ये जो लीड करते हैं अपनी लाइफ को एक प्लैंक्टोनिक लाइफस्टाइल के फॉर्म में करेंगे। जो प्लैंक्टॉन्स जो बेसिकली तुम्हारे सरफेस लेवल पे प्रेजेंट होते हैं वाटर के, जो तुम्हारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो उस लाइफस्टाइल में जीते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट बेटा, जितने भी लावा है ना, लावा इंपॉर्टेंट है, लावा को नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे होता है सिडिपिड लावल स्टेज, ठीक है, सिडिपिड लावा जो स्टेज है यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको ध्यान में रखना है। बायरेडियली सिमेट्रिकल होते हैं विद एन ओरल एंड एबोरल बॉडी एक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पास एक ओरल एक्सेस होती है जहाँ से तुम्हारा माउथ प्रेजेंट होगा, और एक एबोरल एक्सेस होती है जहाँ पे NS का फॉर्म होता है, लेकिन माउथ और NS में फॉर्मेशन नहीं होगा, ध्यान में रखना है। ओरल और एबोरल एक्सेस होती है, तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान में रखना है, इसलिए बायरेडियली सिमेट्रिकल बोला जाता है। एक क्वेश्चन आता है इनमें कि इनमें कितनी रोज ऑफ सीलेटेड कॉम्ब प्रेजेंट होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे सीलेटेड कॉम्ब प्रेजेंट होते हैं, ऐसे करके प्रेजेंट होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनके क्या सीलिया, इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसे सीलेटेड कॉम्ब बोला जाता है। और 8 रोज प्रेजेंट होती हैं, 8 रोज प्रेजेंट होती हैं। ये नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इनकम्प्लीट गट, माउथ बट नो एनस, बेसिकली क्या होता है, एबोरल और पोरल सरफेस होता है, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे कोई भी फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि बहुत छोटा फाइलम है। तो इतना तो है नहीं कि तुम्हारा माउथ भी होगा एनस भी होगा, तो पूरा कंप्लीट डिवीजन कुछ भी प्रॉपरली नहीं होगा, इनकम्प्लीट कट होगी। एपोरल ओरल सरफेस का एक पॉइंट प्रेजेंट होगा, लेकिन पूरा डिवीजन नहीं होगा प्रॉपरली। नो एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ भी नहीं प्रेजेंट होगा, कोई भी ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ना तो एक्सक्रीटरी वाला सिस्टम होगा, ना रेस्पिरेटरी वाला सिस्टम होगा, ना सर्कुलेटरी वाला सिस्टम होगा, जो चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा। दे आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, मतलब इनके पास एक्टोडर्म होने वाली है और एंडोडर्म होने वाली है, और इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, ध्यान में रखना है। लेकिन जैसे तुम्हारा मीजोहाइल प्रेजेंट था तुम्हारे पहले वाले में, इसमें मीजोग्लिया प्रेजेंट था जब मैंने सीलेंट्रेट की बात करी, तो यहाँ पे भी कुछ मीजनकाइम प्रेजेंट हो सकते हैं इनके बीच में, जो तुम्हारा एक मस्कुलेचर देते हैं, जिसे लगता है सबको कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक सेलुलर मीजनकाइम प्रेजेंट होती है, जो मुझे लगता है कि मीजोडर्म हो सकती है, लेकिन वो ट्रू मीजोडर्म नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये डिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं, बस इतना पता करना है, तुम्हें ज़्यादा रिसर्च पे नहीं घुसना है। अधेसिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोलोब्लास्ट, ये डबल एलिवेटर, ठीक है, कोलोब्लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट। इनको अगर तुम्हें कभी भी ये आता है कि तुम कैसे सीलेंट्रेट्स को अलग कर सकते हो और कैसे तुम टीनोफोर्स को अलग कर सकते हो, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे नीडोसाइट बोला गया था सेल्स को, या फिर नेमेटोसिस्ट सेल बोला गया था। यहाँ पे जो सेल होती है वो होती है कोलोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल होती है बेटा? कोलोब्लास्ट सेल होती हैं। तो इन चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर मैं टीनोफोर्स की बात करती हूँ तो वहाँ पे कोलोब्लास्ट सेल होती हैं, नीडोसिस्ट सेल नहीं होंगी, तुम्हारे नेमेटोसिस्ट नहीं होंगी, वहाँ पे कोलोब्लास्ट सेल होती हैं, इसको ध्यान रखना है। लेकिन अगर निडेरियंस की बात करती तो वहाँ पे क्या होती है? निडोब्लास्ट सेल होती। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। A diffuse nervous system consists of nerve net somewhat more specialized than that found in the Nidarians. सेम वही चीज़ है जो तुम्हारे निडेरियंस में है कि डिफ्यूज्ड नर्व नेट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी स्पेशलाइजेशन बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू द निडेरियंस। तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना याद रखना है डिफ्यूज्ड नर्व नेट होता है। कितनी स्पेशलाइजेशन बढ़ी है वो तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। असिडिपेड लावर स्टेज, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ के मैंने तुम्हें फिगर यहाँ पे नहीं दिखाया है, बस बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे ऐसे करके तुम्हारे, ठीक है, यहाँ पे 8 कॉम्ब ऑफ प्लेट्स होती हैं तुम्हारी, जिनके ऊपर क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। और ये क्या होते हैं? तुम्हारे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर भी तुम्हारे बहुत सारे सीलिया यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, सीलिया पाए जाएंगे। और ल्यूमिनेसेंट होता है, ये कलरेशन भी शो करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ का, क्योंकि इस पर सीलिया होते हैं तो ये प्रॉपरली मूव कर पाता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और कोलोब्लास्ट सेल इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये भी ध्यान रखना है। तो मैं सिडिपिड लावा जो है इस चीज़ को ध्यान में रखना है, और इसके कॉमन नेम क्या है वो याद रखने हैं। और 8 रोज ऑफ कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, 8 रोज ऑफ कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, जिनके पास होता है सीलिया, ठीक है, सीलिया उनको कवर करके रखता है। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। सेस्टम जो है तुम्हारा, उसको बोला जाता है वीनस कर्टल। ये इसके एग्जाम्पल हैं जो तुम्हारे टीनोफोर्स के, तो ये पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है कभी कभी इन चीज़ों से पूछ लिया जाता है। सेस्टम जो है ये तुम्हारा क्या है? टीनोफोर्स है, जहाँ पे वीनस गर्डल उसका कॉमन नेम है। हॉर्मीफोरा है जिसका कॉमन नेम है सी वॉलनट। प्लीमोब्रेकिया है जिसका कॉमन नेम है सी गूजबेरी। और तुम्हारा टीनोप्लेना है, तो ये भी याद रखना है। टीनोप्लेना क्या होता है, प्लीमोब्रेकिया कौन सा है, हॉर्मीफोरा कौन सा है, सेस्टम कौन सा है, कॉमन नेम याद होने चाहिए, साथ में पता होना चाहिए। हम टीनोफोर्स की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? टीनोफोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसका भी तुम्हें आइडिया होना चाहिए। तो देखो, मैं तुम्हें पॉरीफेरा करा चुकी हूँ, मैंने तुम्हें सीलेंट्रेट्स भी करा दिया है, मैंने तुम्हें निडेरियंस भी करा दिया है, लेकिन बेटा मैंने इतना डीप में नहीं कराया है, और डीप में तुम्हें करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम टेलिंग में कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लिया जाता है ना, वैसे ही यहाँ पर डिसाइड कर लिया गया है किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं। तो उसी पार्ट से मैंने तुम्हें सारे का सारा पार्ट कराया है, और जो भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीक जो होगा, मैं संडे को तुम्हारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डाल दूँगी। आज पॉरीफेरेंस के क्वेश्चन डाल चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने वो पॉरीफेरेंस वाली क्लास अटेंड करी थी तो वो उसके क्वेश्चंस भी एक बार करके देख लेना। और नेक्स्ट संडे को तुम्हारे टीनोफोर से रिलेटेड और तुम्हारे सीलेंट्रेट्स हाँ सीलेंट्रेट से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस भी डाल दूंगी, तो तुम्हारे यहाँ से पूरा को पूरा चीज़ें कवर हो जाएंगे। रिवीजन प्रॉपर करो बेटा, रिवीजन के बिना चीज़ें नहीं होंगी। देखो तुम्हारा एग्जाम आ चुका है, ठीक है, तुम्हारा एग्जाम आ चुका है, अब तुम्हें रिवीजन करना है बस। रिवीजन के साथ साथ मैं जो भी तुम्हें यहाँ पे करा रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं टॉपिक ही कंप्लीट कराती हूँ, ठीक है। टॉपिक के साथ साथ तुम रिवीजन अगर साथ में रखोगे ना तो तुम्हारा चीज़ें यहाँ से कवर होती जाएंगी। टॉपिक बेसिकली एक मैं कराती हूँ, वैसे कोशिश करूँगी मैं भी तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट कर दूँगी, आई थिंक 1-2 दिन में तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट कर दूँगी। तो जितना भी मैं 3 महीने में पढ़ा चुकी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जुलाई में ज्वाइन किया था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक मैंने जितना भी तुम्हें कराया है मैं उसका पहले प्रॉपर रिवीजन कराने वाली हूँ। रिवीजन के साथ साथ हम मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ये टेस्ट कब रिलीज़ होंगे बेटा मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी बताऊंगी, क्योंकि सब चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं और पता भी करना होता है कि कैसे होगा। तो कोशिश करूंगी नवंबर से पहले, ठीक है, या फिर नवंबर में 1 नवंबर हो गया या फिर तुम्हारा 31 अक्टूबर हो गया, उसके टाइम पे मैं यहाँ पे रिलीज़ कर दूँगी तुम्हारा टेस्ट वाला सब कुछ। तो तुम्हारा टेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे मैं रिवीजन भी कराने वाली हूँ। अनअकेडमी पे भी फ्री क्लासेस होती हैं, तो अगर तुम्हें वो भी ज्वाइन करनी है वो भी ज्वाइन करो। तो क्या होगा कि जितना ज़्यादा तुम अभी एक्टिव हो जाओगे तुम उतना ही यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जो 1 मंथ की पढ़ाई है ना, जो तुमने 6 महीने करी है ना, वो इतना मैटर नहीं करेगी। जो तुमने 1 मंथ में पढ़ाई करी है ना वो मैटर करेगी। तो बहुत अच्छी से पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है, जो चीज़ें तुमने सीखी हैं उन्हें सीखते ही रहना है और तुम्हें कुछ भी भूलना नहीं है। उसके लिए प्रिपरेशन तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, अच्छी रखनी पड़ेगी, तो इसको ध्यान में रखना है। और प्लेटी हेलमिंथिस हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अगर मैं अभी पढ़ाऊँगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और 10 मिनट तुम्हारी क्लास के लिए बचे हैं, तो फिर ज़्यादा भी अभी नहीं करा सकती हूँ। तो ध्यान रखना है बेटा, प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, मैं तुम्हें यहाँ पे प्रिपरेशन करा रही हूँ। अगर किसी को प्लस ज्वाइन करना है प्लस ज्वाइन करो। मॉक टेस्ट लगाओ बेटा, मॉक टेस्ट लगाओगे तभी चीज़ें हो पाएंगी। मॉक टेस्ट एक ऐसी की है जिसकी वजह से तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तुम्हें टाइम मैनेज करना आ जाएगा। अगर टाइम मैनेज करना नहीं आए ना पेपर में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, पता होना चाहिए कि पार्ट ए को अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो 15 मिनट लग रहे हैं या 30 मिनट्स लग रहे हैं, पार्ट बी को कर रही हूँ तो मेरा 45 मिनट जा रहा है, पार्ट सी कर रही हूँ तो कितना टाइम लगेगा, ये सब पता होना चाहिए। अगर तुमने टाइम मैनेज नहीं किया और तुम्हें सारे क्वेश्चन आते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा तुम्हें भी पता है कट ऑफ का कुछ भी नहीं पता। 130 भी जा सकती है, 120 पे भी आ सकती है और तुम्हारा 110 पे भी आ सकती है, डिपेंड करेगा बच्चों ने कैसा किया है। क्योंकि अभी बहुत टाइम मिला है बच्चों को प्रिपरेशन करने का। तुम्हें पता है कि ये पेपर तुम्हारा जून में होने वाला था लेकिन अब तुम्हारा नवंबर में हो रहा है, तो कितना ज़्यादा टाइम मिला है बच्चों को। तो मतलब जितना टाइम मिला है उतना ही कॉम्पिटिशन भी बढ़िया होने वाला है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़िया होने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, तुम्हारा कंपटीशन अगर अच्छा होगा तो कट ऑफ जाएगी तुम्हारी हाई, और अगर कट ऑफ हाई जाएगी तो तुम्हारे मार्क्स भी हाई होने चाहिए, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मार्क्स हाई करने हैं तो तुम्हें क्या करना होगा, मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ, तुम खुद से ट्राई करो, कहीं भी तुम्हें फ्री मिल रहा है वहाँ से लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, अपना रिवीजन पूरा का पूरा स्टार्ट रखो। रिवीजन के साथ साथ जो टॉपिक्स तुम सीखते जा रहे हो उनको लिखते जाओ और प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओ, इसी के बाद तुम्हारा कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ ध्यान में रखना है। और हाँ, नर्वस नहीं होना है, पहली बात तो बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आना है, चीज़ें अपने टाइम पे हो जाएंगी, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा ध्यान से उस चीज़ों को करना है। मैं भी यहाँ पे तुम्हें फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा ही रही हूँ, यूट्यूब पे कराती हूँ। सुबह 10:30 पे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो रहे हैं, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रही हूँ, जो भी तुम्हारे बहुत बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन करना होता है वो भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो ये वाली क्लासेस ज्वाइन तुम लोग करते हो। 4 बजे तुम्हारा एक रेगुलर टॉपिक चल रहा है, जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला जो क्रैश कोर्स चल रहा है यूट्यूब पर, वो भी करा रही हूँ। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराती हूँ। कभी ऐसा तो नहीं होता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कराए, उसके साथ हमेशा कराती हूँ। तो उनकी प्रैक्टिस करो अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो, ठीक है। जो भी तुम टॉपिक कवर कर रहे हो तो प्रीवियस क्वेश्चन साथ में करते जाओ, तो तुम्हारा वहाँ से कवर होता जाएगा। तो आपको अगर और भी फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप अनअकेडमी ज्वाइन कर लो, यहाँ पे स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो यहाँ पे भी रिवीजन स्टार्ट कराने वाली हूँ। तो जितना भी तुम्हारा एनिमल क्लासीफिकेशन वाला हो गया, तुम्हारा प्लांट वाला हो गया, ये सारे के सारे मैं वहाँ रिवाइज कराने वाली हूँ। तो अगर वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट वो करते हैं। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और आपको अनअकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे डाउनलोड करेंगे आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है। तो जब भी मेरी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप ये कर सकते हो, फ्री क्लासेस हैं, तुमसे हम लोग कुछ पैसे पैसे तो नहीं ले रहे हैं ना, तो तुम बस अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो अच्छे से कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और हाँ, नर्वस नहीं होना है, हाइपर नहीं होना है, कुछ भी तुम्हारा ऐसा हार्मोन रिलीज नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाए। प्लीज़ शांत रखो पहले खुद को, और जितना शांति में पढ़ोगे उतना बेटर होगा। सो अगर आपको प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो तुम्हारी पेड वाली क्लासेस होती हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर आपको यूनिट वाइज सब कुछ कंप्लीट कराया जाता है, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो अगर बच्चे आपको अभी ज्वाइन करना है, जो आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अभी ज्वाइन कर लें, और जो नवंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अभी 1 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। नोट्स जो हैं आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाती है, क्विजेस कराए जाते हैं जिसके थ्रू आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाता है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पे आपकी लगाई जाती हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पे मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ जो भी CSI UGC नेट में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपको उसके लिए ज्वाइन करना है तो आप उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक्स के साथ साथ यहाँ पे जितनी चाहे आप उतनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी तुम्हें क्लासेस मिलेंगी। जितने भी CSI UGC नेट के टॉप एजुकेटर्स हैं या फिर कोई भी एजुकेटर जो तुम्हें पसंद है जिनसे पढ़ना, आपको सबकी लाइव क्लासेस मिलती हैं। प्लस आपको रिकॉर्डिंग्स भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, और आपको अनअकेडमी को प्लेस्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, जो फ्री वाली क्लासेस होती हैं, तो वो भी तुम ज्वाइन कर पाते हो। आपको इसके लिए लेना पड़ता है सब्सक्रिप्शन। ध्यान रहे यहाँ पे गेट ESC ना लिखा हो, यहाँ पे होना चाहिए CSI UGC नेट, क्योंकि बहुत बार बच्चे जो गलती कर चुके हैं वो UGC नेट पे चले जाते हैं, वहाँ पे क्लिक कर देते हैं। प्लीज़ मत करना। अगर तुम्हें लेना है तो CSI UGC नेट यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना प्लीज़। उसके बाद ही तुम प्लान चूज करना कि आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ठीक है, CSI UGC नेट सब्सक्रिप्शन लिखा आ जाएगा। उसके बाद ही तुम्हें आगे बढ़ना है। यहाँ पे प्लान चूज करना है, 1 मंथ का लेना है कि 3 मंथ्स का लेना है कि 6, 12 या 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी अभी बच्चे CSI UGC नेट नवंबर के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो 1 मंथ का ले लो। यहाँ से आपके मॉक टेस्ट हो जाएंगे, क्विजेस की प्रिपरेशन हो जाएगी, टेस्ट सीरीज लग जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तो सारा पार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो आपका अमाउंट इतना जाता है अगर आपको CSI UGC नेट नवंबर के लिए प्रिपेयर करना है तो। 6 मंथ्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। 6 मंथ्स का बेसिकली क्या होता है, जो भी आगे वाले के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ से आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट वाइज आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन अगर अमाउंट का देखा जाए ना, तो अगर 12 मंथ्स और 9 मंथ्स 6 मंथ्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 12 मंथ्स वाला फिर ज़्यादा बेटर है, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो पूरा कोर्स हमारा कंप्लीट होगा, यूनिट वाइज हमारा सब कुछ कंप्लीट होगा, नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो कोई इशू नहीं आएगा। 24 मंथ्स वाला आई थिंक उन लोगों के लिए बेटर है जो मास्टर्स के भी 1st सेमेस्टर में आए हैं या फिर 2nd सेमेस्टर में आए हैं, वो 24 मंथ्स वाला लेके रख लो। क्योंकि तुम्हारा क्या होगा, अगर तुम्हारा पूरा मास्टर्स का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारा पूरा के पूरे साथ साथ JRF की प्रिपरेशन भी होती जाएगी। आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो। वो जो रेफरल कोड है वो है कुमकुम 10, KUMKUM 10 है, जिसको अप्लाई कर देना है। देन करना है प्रोसीड टू पे। आपको 10% ऑफ मिल जाता है जैसे ही आप कुमकुम 10 यहाँ पे कोड अप्लाई करते हैं, तो आपको 10% ऑफ मिल जाता है। उसके बाद करना होता है आपको पेमेंट। आप जो है डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, EMI के थ्रू कर सकते हो, UPI वॉलेट या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन भी है, मतलब आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको 10,395 पे करना होता है, तो आप ये पे कर सकते हैं। और 866 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है आई थिंक, या फिर उससे कम भी पड़ता है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है, EMI के थ्रू पे करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अनअकेडमी ऐप पे जाना है, CSI UGC नेट को सर्च करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है बाय अप्लाइंग अ कुमकुम 10, जिसके बाद 10% ऑफ मिल जाएगा। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबके कोर्सेज मिल जाते हैं। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो ध्यान रखना है, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। आपको जो नोट्स हैं वो PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर किसी को प्लस पे आना है तो प्लस पे आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक you.